सुहिना सिंधी पुणे आणि अलायन्स ऑफ ग्लोबल सिंधी असोसिएशन च्या वतीने पुण्यात कोरियंथन क्लब येथे 27वे आंतरराष्ट्रीय सिंधी संमेलनाचे आयोजन करण्यात आले आहे। या निमित्ताने दीप प्रज्वलन करून शोभा यात्रा काढण्यात आली। यामध्ये उंट, घोडे, अश्वगाडी, बँड पथक सहभागी होते। सजवलेल्या बग्गीतून सिंधचे साई सदराम शोभा यात्रेत सहभागी झाले। यावेळी त्यांनी आशीर्वाद दिले। दिव्यांची आरास केलेली बग्गी, रथ, सजलेले घोडे, उंट सर्वांचे लक्ष वेधून घेत होते। पुण्यात होत असलेल्या या संमेलनासाठी सुमारे 40 देशातून सुमारे 1000 सिंधी नागरिक आले आहेत। हे संमेलन पुढील 3 दिवस असणार असून संमेलनाच्या उद्घाटनाप्रसंगी देशाचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी सिंधी समाजाला शुभेच्छा देताना त्यांच्या योगदानाचा गौरव केला। तुळजा सिंधी पुणे व अलायन्स ऑफ ग्लोबल सिंधी एसोसिएशन के चेयरमैन श्री राजू खेतवानी जी एवं सिंधी समाज के अन्य सम्मानित सदस्यों को मैं 27वें अंतर्राष्ट्रीय सिंधी सम्मेलन के आयोजन के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था पर कुछ अपरिहार्य कारणों से मैं आप सबके बीच नहीं पहुंच पाया। मुझे बताया गया है कि सम्मेलन में स्पेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, दुबई, साउथ अफ्रीका व अन्य कई देशों से लोग भाग ले रहे हैं और साथ में सिंधी समाज के कई पूजनीय संत भी अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। सिंधी समाज के संत श्री सादराम साहेब जी, साई मनोहर लाल जी, साई हेडस्टर साई मोहन लाल जी और साई कालीराम बॉम्बे जी की समारोह में मौजूदगी को मैं प्रणाम करता हूं। मुझे बताया गया है कि इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य है सिंधी भाषा के संरक्षण एवं प्रसार हेतु विचार विमर्श करना, सिंधी समाज के सामने मौजूद विभिन्न समस्याओं के समाधान पर विचार विमर्श करना तथा योग्य छात्र छात्राओं की उच्च शिक्षा के लिए समर्थन देना। साथियों, निश्चित रूप से यह एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है। कोई भी समाज या समुदाय खुद को विकसित करने में तभी सफल हो पाता है जब वह अपनी परंपरा, संस्कृति और भाषा के महत्व को समझे, उसे संजोए एवं उसे बढ़ावा दे। इसके अलावा नई प्रतिभा को बढ़ावा दे और जो चुनौतियों उसके सामने आए उसका आकलन करे और उससे निपटने के लिए मिलजुल कर प्रयास करे। मैं मानता हूं कि यह आयोजन आप सभी सम्मानित सदस्यों की उपस्थिति में अपने इस उद्देश्य को पूरा करने में अवश्य सफल होगा। हम सब इस बात को मानते हैं कि राष्ट्र निर्माण में और सामाजिक विकास में सिंधी समाज का उल्लेखनीय योगदान रहा है। देश की आजादी में भी सिंधी समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। कौन भूल सकता है भारत के वीर क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद हेमू कालानी को, जिन्होंने किशोरावस्था में ही आजादी की लड़ाई में शामिल होकर हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूलना स्वीकार किया था। आज जब देश अपनी आजादी का अमृतकाल मना रहा है तो हम सबका यह फर्ज बनता है कि हम देश की आजादी के लिए संघर्ष करने वाले सभी क्रांतिकारियों एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की स्मृति को नमन करें और उनसे प्रेरणा लें। साथियों, जब भारत 1947 में आजाद हुआ तो उसे विभाजन का सामना करना पड़ा। सिंधी समाज ने विभाजन की विभीषिका को बहुत करीब से देखा और सहा भी है। अक्सर विस्थापित हुए लोग निराश, पिछड़ेपन और विपन्नता की गर्त में फंस जाते हैं, मगर अपना सब कुछ गंवा चुके सिंधी समाज के लोगों ने अपनी बुद्धिमत्ता, परिश्रम और सौम्य व्यवहार के दम पर आजाद भारत में शून्य से संपन्नता तक का एक प्रेरणादायक सफर तय किया। अपने हौसले और अथक परिश्रम के बल पर आज सिंधी समाज ने भारत में अपनी एक खास जगह बनाई है, मगर आज भी पाकिस्तान में बड़ी संख्या में हमारे सिंधी भाई बहन रह रहे हैं। कई बार उन्हें
वहां उत्पीड़न और अन्य मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसके कारण बड़ी संख्या में वहां से वे भारत में शरणार्थी के रूप में आजादी के बाद भी आए हैं। पड़ोसी देशों में धार्मिक उत्पीड़न का सामना कर रहे अल्पसंख्यकों को राहत देने के लिए ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून बनाया है। इस कानून के पारित होने से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए 6 समुदायों यानी हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध तथा पारसी, ये जो शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देना यह संभव हुआ है। इस कानून से सिंधी समाज के लोगों को बहुत लाभ मिला है। सिंधी समाज के लोग जो वर्षों से पीड़ा और अपमान का घूंट पी रहे थे, जिनकी परवाह दशकों तक नहीं की गई, उन्हें नागरिकता संशोधन कानून के माध्यम से सम्मान के साथ जिंदगी जीने का अधिकार मिला है। साथियों, आशा करता हूं कि इस सम्मेलन के माध्यम से आप सभी अपने समाज को और अधिक सशक्त और विकसित करने का एक ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे और राष्ट्र निर्माण में पूरी मजबूती और शक्ति से अपना योगदान देंगे। मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार समाज के हर वर्ग के विकास और उत्थान के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सबका साथ और सबका विश्वास हमारे लिए नारा नहीं बल्कि हमारा ध्येय है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को इस सम्मेलन के आयोजन की पुनः हार्दिक बधाई देता हूं और इस आयोजन की भरपूर सफलता की कामना करता हूं। जय झूलेलाल। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यावेळी साधू वासवानी मिशन से जेपी दादा वासवानी यांचा आशीर्वाद पर व्हिडिओ दाखवण्यात आला। यावेळी साई सदराम जी, संत कंवरराम से गद्दीशान साई राजेशलाल, एसजीएस से अध्यक्ष दत्तुक शाह, आयोजक सुहिना सिंधी पुणे से अध्यक्ष डॉक्टर पीतांबर उर्फ पीटर धलवानी, आफ्रिकेचे वाणिज्य दूत रमन दासवानी, मोहन दुदानी, दीपक रामचंदानी, हिरो शिवदासानी, भारतीय सिंधू सभेचे अध्यक्ष लधाराम हगवानी, भाजपा मध्य प्रदेशचे महासचिव भगवानदास सबनानी, गुजरातचे माजी मंत्री परमानंद खट्टर, माजी खासदार सुरेश केसवानी, माजी आमदार डॉक्टर गुरुमुख जगवानी, स्वेनचे सतीश रायसिंघानी, सिंधी काउंसिल ऑफ इंडियाचे मोहन लधानी यांच्यासह सिंधी समाजातील अनेक मान्यवरांची उपस्थिती होती। 2013 मिस इंडिया सिमरन अहुजा यांनी ही संमेलनास यावेळी शुभेच्छा दिल्या। और मैं बेहद खुश नसीब हूँ कि मुझे ये खूबसूरत सा मौका मिला यहाँ आने के लिए, जहाँ अलायंस ऑफ ग्लोबल सिंधी एसोसिएशंस का 27 सम्मेलन हो रहा है पुणे में कोरिंथियन क्लब, जो एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह है, जहाँ हमारे 40 कंट्री से सभी देश और विदेश से आए हुए हैं सारे, सिर्फ और सिर्फ सेलिब्रेट करने के लिए हमारा कल्चर, हमारा साथ देने के लिए, सिंधियत को आगे ले जाने के लिए और सेलिब्रेट करने के लिए एक होकर। तो मुझे बेहद बेहद खुशी है कि मैं यहाँ पर हूँ। मेरा नाम सिमरन आहूजा है, टाइटल्ड मिस इंडिया मैग्निफिसेंट 2013, और मेरे लिए बहुत खास बात इसलिए है क्योंकि एट द रिसेंटली हेल्ड प्रेस्टिजियस आईफा अवार्ड्स एट अबू धाबी, जो बहुत ही बेमिसाल ऑफकोर्स हमेशा शो रहता है, एंड मैं हमेशा होस्ट करती हूँ द प्रेस्टिजियस फिल्म फेयर अवार्ड्स, और अब मैं यहाँ से जा रही हूँ बेवरली हिल और फिर दुबई का फिल्म फेयर मिडल ईस्ट भी कर रही हूँ मैं, द मेन एंकर एट द रेड कार्पेट। सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। कार्यक्रमाचे सूत्र संचालन कविता इसरानी, 2013 मिस इंडिया सिमरन अहुजा, किशन रामनानी, मोहित शेरवानी यांनी केले। पिंकीजा इदासानी, मंजूजी आसुदानी, नील तलरेजा यांचा सांस्कृतिक कार्यक्रम या संमेलनात झाला।